नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप ने एक ऐसा अपडेट किया है, अगर अब आप किसी को व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं और चाहेंगे कि वो मैसेज जो है आपके मोबाइल के साथ साथ जिसको आपने वो मैसेज भेजा है उसके मोबाइल से भी वो मैसेज डिलीट हो जाना चाहिए, तो दोस्तों अब जो है आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसी टॉपिक पर दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब का बटन आप सभी को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि अपना व्हाट्सअप को अपडेट करना है, और जिसको आप मैसेज भेजने वाले हैं उसका भी व्हाट्सअप का एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए, तभी ये ट्रिक जो है काम करेगा। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि आपने अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लिया है और साथ ही साथ जिसको आप मैसेज भेजने वाले हैं उसका भी एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बंदे को मैं मैसेज भेजने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेज जो है लिख लिया, अब मैं सेंड कर देता हूँ। दोस्तों, आप मैसेज भी डिलीट कर सकते हैं और कोई इमेज अगर आप सेंड कर देते हैं और वो बंदा डाउनलोड कर लेता है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके गैलरी से वो इमेज डिलीट हो जाएगी। तो आप मैसेज के साथ साथ इमेज भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी को लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए मैं ये दोनों ही मैसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप सभी को डिलीट का बटन दिखाई देगी, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, डिलीट फॉर मी, और यहाँ पे दोस्तों कैंसिल का, और यहाँ पे डिलीट फॉर एवरी वन का। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डिलीट फॉर एवरी वन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब जो दोस्तों कुछ ऐसा शो होगा उसके भी मोबाइल पर और आपके भी मोबाइल पर, बस ऐसा लगेगा कि आपने कुछ उसको भेजा था और उसके पास भी ऐसा लगेगा कि दूसरे बंदे ने कुछ मेरे पास मैसेज भेजा था, लेकिन कुछ शो नहीं होगा कि क्या मैसेज आपने भेजा था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी मैसेज अपने मोबाइल से तो डिलीट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जिसके मोबाइल पे आपने ये मैसेज भेजा है, व्हाट्सअप का ये मैसेज भेजा है, उसके भी मोबाइल से आप ये मैसेज डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन आप सभी को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।